यस बेटा, एज यू कैन सी दिस इज योर थर्ड वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 13 फॉर ग्रेड 6. लेट्स स्टार्ट. दे सैट अराउंड राजन्स टेबल इन हिज रूम. मनी हेल्ड बिफोर हिम अ कैटलॉग ऑफ मैसल्स बिन द शॉप ऑफ स्पोर्ट्स गुड. ही रेड जूनियर विल इट बैट्स इवन 7-8 मेड ऑफ फाइनल सीजन गुड यूज बाय कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज 11. सो वॉट हैपन नाउ. सो ऑल वर सिटिंग इन राजन्स रूम एंड मनी वॉज होल्डिंग अ कैटलॉग. कैटलॉग क्या होता है बेटा? कंप्लीट लिस्ट ऑफ थिंग्स. और वो जो कैटलॉग था वो किस शॉप का था? वो मैसेस बिन शॉप का था जिसके पास सारे स्पोर्ट्स गुड अवेलेबल होते हैं. तो जब वो कैटलॉग देख रहे थे तो उसमें उसने एक बैट को देखा जो कि जूनियर विलेट बैट था 7-8 जो कि सीजन वुड से बना हुआ था. फाइन इट सीजन वुड से बना हुआ था. वॉट इज सीजन वुड? दैट इज ड्राइड एंड पॉलिश्ड वुड. ठीक है, जो कि किसके द्वारा यूज किया जा रहा था? Who has been using it? Cambridge Junior Boys 11 team is also using these kind of bats. तो उस कैटलॉग में जो कि massive bin का कैटलॉग था तो मनी उन बैट्स को देखता है. सो लेट मी हैव अ लुक एट इट, सेड राजन. राजन ने कहा मुझे भी इन बैट्स को देखना है, मैं भी इस कैटलॉग को देखना चाहूंगा. फिर वो देखता है एंड ही सेड वाह व्हाट अ फाइन बैट. तो स्वामी को भी बोलता है कि यू कैन ऑल्सो लुक द कैटलॉग एंड द बैट. स्वामीनाथन क्रेन करता है. क्रेन मीन्स एक तरह की क्रेन बर्ड होते हैं. क्रेन मीन्स विच इज हैविंग अ लॉन्ग लेग. तो वो आगे आके देखता है एंड ही सीज व्हाट अ फाइन बैट. वो भी कहता है बट ही वॉज इनडिस्क्रीट. इट मीन्स नॉट सो केयरफुल, नॉट सो थॉटफुल इनफ टू से इट लुक्स लाइक अदर बैट इन द कैटलॉग. वो कहता है कि जो तुम मुझे ये बैट दिखा रहे हो तो ये दूसरे बैट्स की तरह ही लग रहा है. इट इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बैट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बैट एंड द अदर बैट्स इन द कैटलॉग? सो मनी इज लेफ्ट hand shot out and held his neck and pressed his face close to the picture of the bat. Why do you pretend to be a cricket player if you cannot see the difference between the junior willet and other bats? So Mani yahan pe Swami ko batate ki you tum aise dikhava kyun, pretend means dikhava kyun kar rahe ho ki that you are a cricket player. Tumhe to yahi difference nahi pata hai ki junior willet bat aur other jo normal ordinary bats hai usme kya difference hai. Junior willet bat is a branded bat. Okay bete, so you are not fit to be even a sweeper in our team. कि तुम तो हमारी टीम में स्वीपर का काम भी नहीं कर सकते. ठीक है, सफाई का काम भी नहीं कर सकते. आफ्टर दिस एडमोनिशन द होल्ड वॉज रिलैक्स. एडमोनिशन मीन्स वार्निंग. ओके, सो देर वॉज अ पॉज एंड आफ्टर दैट राजन सेड नोट इट डाउन. स्वामी स्वामीनाथन नोट इट डाउन ऑन अ पेपर. विलियट जूनियर विलॉट जूनियर बैट. तो वो एक पेपर पे स्वामीनाथन लिखने लगता है कि विलियट जूनियर बैट. सो इफ यू विल रीड इट बेटे, इट इज द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ दैट बैट. And looking up asked how many. और फिर स्वामीनाथन पूछते हैं कि हमें कितने bats चाहिए. Then say 3, will that do money? फिर वो कहता है शायद 3 चाहिए. मनी से पूछता है why waste money on 3 bats? 2 will do. तो कहते हैं हमें 3 नहीं खरीदने चाहिए, हमें 2 खरीदने चाहिए, हमें waste नहीं करनी चाहिए पैसे. But suppose one breaks in the middle of the match, Rajan asked. तो राजन ने पूछा कि अगर एक टूट गया मैच के बीच में तो what would happen? Do you suppose we are going to supply bats to our opponents? हम अब तुम्हें क्या लगता है जो हमारी opponent टीम है, जो हमारी enemy टीम है, जो हमारे opposite खेलेगी, कि हम उसे भी bats supply करेंगे? They will have to come provided with bats. We must make it clear कि जो दूसरी टीम आएगी हमारे साथ खेलने के लिए वो तो अपनी bats खुद लेके आएगी. Understand? So even then, if our bat breaks, we may have to stop playing. तो अगर हमारे bat टूट जाते हैं बीच में तो हमें खेलना बंद करना पड़ेगा. टू विल डू राजम अनलेस यू वॉन्ट टू वेस्ट मनी. मतलब हम सिर्फ राजम फाइनली डिसाइड करते हैं हम सिर्फ दो ही रखेंगे बैट्स. तो राजम एंथुसियाज्म वाज ग्रेट. ही लेफ्ट हिज चेयर सैट ऑन द आर्म ऑफ मनीज चेयर. राजम की बहुत एंथुसियास्टिक था, बहुत जोश से भरा हुआ था. तो वो मनी के साथ जाके बैठ जाता है ग्लोटिंग ओवर द पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट गुड्स इन द कैटलॉग. और जितने भी उस कैटलॉग के अंदर पिक्चर्स हैं क्रिकेट गुड्स की घूरने लगता है. ग्लोटिंग मीन्स सीइंग. And Swaminathan, though he was considered to be a bit of a heretic, caught the enthusiasm and posed on the other arm of the chair. So heretic means which a person who holds a belief or an act opinion that strongly disagrees with what the most people believe, right? कि जो most of the people agree करते हैं उसके opposite चलना. ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो अपना enthusiasm दिखाता है और वो दूसरी चेयर की जो उसकी आम होती है उस पर जाके बैठ जाता है. ऑल द थ्री मीन्स ऑल द थ्री फ्रेंड्स स्टार्टेड रीडिंग द नेम्स एंड ऑफ द पिक्चर्स एंड दे आर सीइंग दोज पिक्चर्स क्रिकेट बॉल्स बैट्स एंड नेट्स. व्हाट हैपेंड देन?
इन अबाउट एन आवर द सिलेक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग द टीम्स रिक्वायरमेंट. फिर कैटलॉग में से जितनी भी उनकी टीम के लिए रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं. एंड देन केम द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द होल अफेयर. पूरे एक सबसे मुश्किल काम आ जाता है. वॉट वॉज दैट? अ लेटर टू मेसर बिन्स. कि हम कैसे एक लेटर लिखेंगे मेसर बिन्स को कि हमें ऑर्डर करने के लिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए अपनी क्रिकेट टीम के लिए. बेयर कर्टसी मेड राजम ऑफर द ऑथरशिप ऑफ द लेटर टू मनी. राजम मनी को कहता है कि तुम लिखोगे लेटर मेसर्स बिन को, तो जो कि मनी कहता है आई विल नॉट राइट. राजम टुक अप द टास्क हिमसेल्फ. तो राजम एक लेटर लिखता है मेसर्स बिन को ऑर्डरिंग फॉर द गुड्स फॉर देयर टीम. हाफ एन आवर लेटर ही प्लेस्ड ऑन द टेबल अ लेटर. तो ये लेटर लिखी गई है बेटे, फटाफट से रीड कर लेते हैं. फ्रॉम एमसीसी विक्ट्री यूनियन 11 मालगुड़ी टू मेसर्स बिन स्पोर्ट्समैन माउंट रोड मद्रास. डियर सर, व्हाट ही हैज रिटन what Rajam has written, please send our team to junior will at bat, six balls, wickets and other things quick. It is very urgent. We shall send you money afterwards. Don't fear, please be urgent. Obediently, Captain Rajam. So what happens, देखिए बेटे, यहाँ पे एक letter लिखी गई है, Rajam ने लिखा है, एक बच्चा है, school going boy है, उसने order किया है goods को, हमें ये चाहिए. तो उसने ये कहा कि आपको पैसे बाद में भिजवा देंगे. ऐसा कभी नहीं होता है कि ऐसा कभी हो सकता है कि when you are going to write a letter and you are going to say that आप हमें भिजवा दो सामान, पैसे आपको बाद में मिलेंगे. सो बिकॉज दे आर किड्स, दे कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. नेक्स्ट, दिस लेटर रिसीव स्वामीनाथन्स बेनेडिक्शंस मीन्स ब्लेसिंग्स, बट मनी एक्सप्रेस सर्टेन डाउट्स. मनी को डाउट्स हो रहे थे इस लेटर में. यू वॉन्टेड टू नो वेदर डियर कुड स्टैंड एट द बिगनिंग ऑफ द लेटर टू परफेक्ट स्ट्रेंजर. हाउ कैन यू कॉल बिन्स डियर सर, कि तुम बिन्स को डियर सर क्यों बुला सकते हो अकॉर्डिंग टू मनी. यू मस्ट से सर, तुम्हें सिर्फ सर ही बोलना चाहिए बिकॉज ही इज स्ट्रेंज टू अस. राजम एक्सप्लेनेशन वॉज आई वॉन्ट से सर, इट इज ओनली बाय क्लर्क्स. तो सिर्फ क्लर्क्स ही बोलते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू से सर, आई एम गोइंग टू यूज डियर सर ओनली. आई एम नॉट बिन्स क्लर्क. आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम एज सर. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने इसको उनको सर अगर लिख दिया तो. सो दिस लेटर वेंट एज इट वॉज. सो इस तरह ये लेटर जैसी लेटर थी वो वैसी ही रही. सो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर बाय आर के नारायण. आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटे. थैंक यू.